वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है कैनवा पे और कैसे आपने इसे आगे सेल करना है। कैनवा पे जो है बैकग्राउंड रिमूव आप विद इन सेकेंड आप रिमूव कर सकते हो, और आप इसे फाइवर अपवर्क पे सेल कर सकते हो, अपने क्लाइंट के लिए भी बना सकते हो, थंबनेल वगैरह भी बना सकते हो। थंबनेल जो है वो हम अगली वीडियो में बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले आपने इसका जो है साइज देख लेना है कि आपने किस साइज़ में अपने बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो हमें जो है वो 60x9 चाहिए, तो हमने 60x9 पे क्लिक किया है। और इसके बाद हम अपनी इमेज को जो है वो न्यू पेज पे ऐड करेंगे। आपने जो अपनी जो इमेज है आपने उसको पेज पे लेके आना है। आप पे सबसे पहले आपने इमेज को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप इमेज हम इमेज को जो है वो न्यू पेज पे लेके आएंगे, और न्यू पेज पे लेके आने के बाद हम इसको जो है एडजस्ट करेंगे, इसकी जो साइज़ होगा हम पेज के हिसाब से, या जैसे आपका क्लाइंट डिमांड करे तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। फिलहाल मैं जो है वो बिफोर एंड आफ्टर का वाला हिसाब सिस्टम जो है करने जा रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं इसको एडिट करूँगा। तो एडिट इमेज करने के बाद हमने यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव का इसका या ऑटो ऑप्शन आया हुआ है, तो ये जैसे ही हम करेंगे तो ये देखें बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया ऑटोमेटिकली, कोई हमें इसकी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो इसके लिए हम बिफोर एंड आफ्टर में मुझे जो है वो इसके लिए बनाना पड़ेगा अपना बिफोर एंड आफ्टर वाला सिस्टम, क्योंकि मैं अपनी फाइवर प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे ये बनाना पड़ेगा। आप अपने क्लाइंट के लिए भी बना सकते हो। तो ये हमारी बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं, रेजोल्यूशन भी बिल्कुल परफेक्ट आई हुई है, रेजोल्यूशन में कोई कमी नहीं आई। एलिमेंट आप अगर आप एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आप जो भी आप लिखेंगे तो उस हिसाब से आपको टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स या टेम्पलेट्स वगैरह भी आपको उसी हिसाब से मिल जाएंगे। तो अभी हमें जो है वो बिफोर एंड आफ्टर वाला ये टेक्स्ट चाहिए, तो सब बिफोर एंड आफ्टर हमारे पास आ गया है। ये देखें जिस तरह से प्रॉपर इसकी एडिटिंग की हुई है, और इस हिसाब से आप जो है बिल्कुल इजीली आप बैकग्राउंड रिमूव वाली सर्विस जो है वो आप फाइवर पे सेल कर सकते हो, कैनवा से आप एडिटिंग कर सकते हो। तो आपने जो है वो इस हिसाब से अगर आप फाइवर पे काम करते हो तो ये जो है बेस्ट आइडिया है एंड बेस्ट फाइवर की ऑप्शन है आपके लिए। आप इसके ज़रिए फाइवर पे अच्छी सेल कर सकते हो, आप बैकग्राउंड रिमूव वगैरह कर सकते हो।